हमारे नाम से फर्जी खाता खोले गए हैं, हमने कुछ पता ना है और उससे गलत लेन देन भी हो सके और एक्स को पैसा भी आ सके, हमने आज तक कुछ पता ना है। जो ये फर्जी खाता हमारे नाम से खोले गए, किसने खोले फर्जी खाता? ये सरपंच ने खोले, कम से कम भी 400 आदमियों के खाते खोले गए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी मेवात में सरपंचों द्वारा धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा यदि गहनता से जांच की जाए तो हर गांव में फर्जीवाड़े का मामला मिल सकता है। ऐसा ही एक मामला लुहंगा खुर्द पंचायत से सामने आया है, जहां पर करीब 400 लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये फर्जी खाते सरपंच द्वारा नरेगा के पैसे को हड़पने के लिए खोले गए हैं, जिनसे फर्जी तरीके से लेन देन भी किया गया है। गांव के लोगों को जब इस मामले का पता चला तो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर चांदरा का पुलिस चौकी पहुंचे और फर्जी खाता खोलने वाले सरपंच पर कार्रवाई कराने के लिए पुलिस को लिखित शिकायत दी। मीडिया से रूबरू होते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो उनके खातों से ओलेक्स जैसा काम शुरू हो जाए और उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनके नाम पर फर्जी खाता खोलने वाले सरपंच पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है जी? महमून है जी। महमून जी, गांव कौन सा? जैतलगा। क्या मामला जो इतनी संख्या में मामला है जी? हमारे घर से भी गए हैं 20 इन आधार कार्ड, जिनमें 3 दिन हम वापस आए हैं। भाई इनमें 5 इनमें खाता खोल रहा हूँ, 5,000 रुपये स्कीम आएगी, बच्चा अंश कही है। मैंने उनसे बोले, लाल त्यार सिंह धोखो तुम या काम मत करो। तो हमारा जो सरपंच है, यानी सब ने कम से कम 4 से आईडी लेके नहीं और खाता खुलवाया, हाँ, जिन पर गरीब आदमी पर लोन कराई गई है। कितने ऐसे आदमी जिनके नाम से लोन कराई? कोई ना छोड़ूगा मैंने, फर्जी खाता है, मोलेक्स पैसे भी आ सके, कोई भी काम हो सके, लो बाजे को पब्लिक पे आप कहा बिगड़े हो। सर मेरा भाई एक शाहरुख खान, उसके नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर उनके नाम पर 14,832 रुपए निकाल कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जबकि उनको ये पता नहीं है कि मेरा अकाउंट कहीं पे ओपन हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। किसने करा ये धोखाधड़ी? ये हमारे जो सरपंच हैं लोहिंगा खुर्द पंचायत के, लियाकत। तो इस जो खाते खोले गए हैं, इनसे किस तरह की लेन देन हुई है? इसमें के नाम पर पैसा आया है, विकास के नाम पर इनका पैसा लिया गया है, जबकि जमीनी सतह पर कोई विकास नहीं हुआ है। और जैसा कि उनमें दिखाया गया है, लोहिंगा उसमें सुल्लीबाज से झारपुड़ी सीमा तक रोड बताया गया है, जबकि जमीनी सतह पर कोई रोड नहीं बना है। और उसके अलावा नीमखेड़ा पंचायत में भी इनका कोई जोहड़ का काम दिखाया गया है, जबकि नीमखेड़ा पंचायत हमारे अंडर में नहीं आती है। फिर आप लोगों ने कहां इसकी शिकायत? अभी तो हम पुलिस चौकी चांदराका में शिकायत दर्ज कराई है, इसके बाद SDM ऑफिस, DC ऑफिस, CM इंडोर, लोक आयुक्त तक भी हम अपने न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। जहां तक भी हो सकेगा हम इसके अलावा हाई कोर्ट तक भी हमें जाना पड़ा, तो हाई कोर्ट तक भी हम वहां पे पहुंचेंगे। किस तरीके से सूचना मिली और कब का ये मामला? सूचना अभी 2020 से हमारे 20/7/2020 में हमारे अकाउंट ओपन किए गए, 31 मार्च 2021 तक हमारे अकाउंट में पैसा डाला, जिसका हमें ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे हमारे अकाउंट ओपन हुए हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ पे हमने मजदूरी की और हमारे अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। अभी हमारे संज्ञान में आया, हमने जॉब कार्ड की सूची देखी, उसके हिसाब से हमें ये पता चला कि हमारा जॉब कार्ड भी कहीं पर बना हुआ है।